नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। ड्राइवर से मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों उपेंद्र यादव और दीपक यादव को खजनी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल सकुशल किया बरामद। फर्जी था गाड़ी व 1,05,000 की लूट, केवल मोबाइल की हुई थी लूट। मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 रुपए के इनाम या अभियुक्त गोकुल साहनी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP सिटी ने दी जानकारी। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस है मुस्तैद। SP सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, सभी तरह के खतरों से निपटने की तैयारियां हैं पूरी। सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस। बच्चा चोरी मामले में एक नई बात आई सामने। लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से बच्चा एडॉप्शन के नाम पर पहला फुसलाकर लाया गया था गोरखपुर। एक व्यक्ति के मोबाइल से बच्चों के मिले 20 फोटो की जा रही है छानबीन। SP सिटी ने दी जानकारी। जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक CDO संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महानगर इकाई द्वारा हर घर TB बीमारी से मुक्त करने के कार्यक्रम के तहत MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने TB मरीज से मिलकर लिया उनका हालचाल, दिया पौष्टिक आहार की टोकरी। कहा, PM मोदी के संकल्प की 2025 तक TB मुक्त भारत बनाना है को साकार करने में सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन। एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की चरण पादुका का भी 5वें दिन हुआ पूजन। और गांधी विचार मंच तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन। गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। ड्राइवर से मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों उपेंद्र यादव और दीपक यादव को खजनी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों अभियुक्तों के पास से लूट का मोबाइल बरामद किया। लेकिन गाड़ी व 1,05,000 की लूट की बात फर्जी थी, केवल मोबाइल की ही लूट हुई थी। जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 29 सितंबर की रात्रि में लगभग 9 बजे के आसपास कॉलर अमरनाथ यादव ने UP 112 पर सूचना दिया कि थाना क्षेत्र खजनी के सियार गांव के पास कुछ अज्ञात लड़कों ने गाड़ी लूट ली और गाड़ी में रखा 1,05,000 रुपये तथा चालक का मोबाइल लूट ले गए। जिसकी सूचना पर खजनी पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर ग्रामवासी भी इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ग्रामवासियों की वार्ता से ये लगा कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसी क्रम में दो नाम भी प्रकाश में आए और चालक ने यह बताया कि उसे एक महिला ने यह नाम बताए हैं। जिसके आधार पर जब उन दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ कर ले आया गया तो पता चला उनमें से एक व्यक्ति वो निकला जो अपने गांव के एक दूसरे व्यक्ति का मोबाइल मुहैया कराया था, जिससे ड्राइवर अपने जानने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया था। जानने वाले ने उस डेयरी मालिक को फ़ोन किया जिसकी गाय लाद कर अपने पिकअप पर ये ड्राइवर जा रहा था। मौके पर गाड़ी की कोई लूट नहीं हुई थी, गाड़ी मौजूद थी। जब पुलिस इस छानबीन में आगे बढ़ी तो पता चला कि उपेंद्र यादव और दीपक यादव नाम के दो लड़के इस लड़ाई झगड़े में शामिल थे और उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट करने के बाद उसका मोबाइल भी छीन लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हो गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कल दिनांक 29 सितंबर 2022 की रात्रि में लगभग 2100 बजे के आसपास कालर अमरनाथ यादव ने
यूपी 112 पर एक सूचना दिया कि थाना क्षेत्र खजनी के सियर गांव के पास कुछ अज्ञात लड़कों ने गाड़ी लूट ली है और गाड़ी में रखा 1,05,000 रुपये तथा चालक का मोबाइल लूट ले गए। तत्काल इस सूचना पर खजनी पुलिस मौके पर पहुंची, वहां ग्रामवासी भी इकट्ठा हो गए थे। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर ग्रामवासियों की वार्ता से ये लगा कि यहां कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसी क्रम में दो नाम भी प्रकाश में आए और चालक ने भी बताया कि उसे एक महिला ने ये नाम बताए। उसके आधार पर जब वो दो व्यक्ति पुलिस पकड़ कर ले आई तो पता चला उनमें से एक व्यक्ति वह निकला जिसने उसे अपने गांव के एक दूसरे व्यक्ति का मोबाइल मुहैया कराया था, जिससे ड्राइवर ने अपने जानने वाले को फ़ोन किया था। जानने वाले ने उस डेयरी मालिक को फ़ोन किया जिसकी गायें लेकर लाद कर अपने पिकअप में ये ड्राइवर जा रहा था। मौके पर गाड़ी की कोई लूट नहीं हुई थी, गाड़ी मौजूद थी। आगे जब पुलिस इस छानबीन में बढ़ी तो पता चला उपेंद्र यादव और दीपक यादव नाम के दो लड़के इस लड़ाई झगड़ा में शामिल थे और उन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट करने के बाद उसका मोबाइल भी छीन लिया था। पुलिस ने इनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं। घटना में लूटा गया मोबाइल बरामद हो गया है। आगे की विधिक की कार्यवाही की जा रही है। कैंट थाने की पुलिस ने मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 के इनामी अभियुक्त को रानीडीहा तिराहे से गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गोकुल साहनी पुत्र राम विलास निवासी सैनिक कुंज कॉलोनी सेक्टर सी बचपन स्कूल के पास महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 7 जुलाई को अतुल कुमार त्रिपाठी पुत्र हौसला प्रसाद त्रिपाठी, दूसरा मारुति नंदन पुत्र अतुल कुमार त्रिपाठी, तीसरा राम प्रवेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासीगण महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 जीतपुर दरगहिया नंदानगर थाना शाहपुर गोरखपुर, चौथा चंद्रमोहन त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय सुधाबिंदु त्रिपाठी निवासी महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 मानिक नगर दरगहिया, पांचवा मुरारी साहनी पुत्र स्वर्गीय पुनई साहनी, छठवा गोकुल साहनी पुत्र रामविलास साहनी निवासीगढ़ सैनिक कुंज कॉलोनी बचपन स्कूल के पास महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 थाना शाहपुर गोरखपुर के द्वारा मिलकर वादे मुकदमा को मकान दिलाने के नाम पर लगभग 1,50,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के संबंध में तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले में अभियुक्त मुरारी उर्फ मुराली साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा वांछित अभियुक्त गोकुल साहनी के ऊपर 15,000 रुपए का इनाम था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अंजनी कुमार यादव, कांस्टेबल दीपक निषाद, कविंद्र कुमार, उदय कुमार सरोज शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर की कैंट पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें 15,000 रुपये के इनामिया जालसाज जो मकान दिलाने के नाम पे जिसने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की, उस व्यक्ति को आज कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति ने जीआरडी गोरखा रिक्रूट डिपो के सामने की एक महंगी जमीन को दिखाते हुए उस व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए लिए एवं बाद में ये लोग गिरोह फरार हो गया था। उनमें से एक व्यक्ति की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं ये दूसरा व्यक्ति इसकी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों द्वारा इस तरह के अन्य जगहों पर भी करतूत करना प्रकाश में आया है एवं इनको सबको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।
विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाले गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर शोभा यात्रा से निकलने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्रों का निगरानी व निरीक्षण किया। प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा में विजयदशमी पर्व पर प्रत्येक वर्ष परंपरागत तरीके से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होते हैं। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल होते हैं। इस दिन का लोग बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 अक्टूबर को निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया है और आसपास मकान के छत के ऊपर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी भी किया गया तथा साथ ही साथ किसी प्रकार का स्लीपर सेल के अटैक को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ में एसएसबी, आरपीएफ, पीएससी एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार का अवैध ड्रोन उड़ता है तो उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान की दूरी 2.7 किलोमीटर की है और इन रूट पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो दिन और रात में भी कवर करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, क्या कारण? अंधेरा हो गया सर, अंधेरा हो गया अभी। जनपद गोरखपुर में 4 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परंपरागत रूप से विजयदशमी का जो जुलूस निकाला जाता है वो निकाला जाएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कई दिनों से गोरखपुर पुलिस सुरक्षा के इंजाम करने में जुटी हुई है। हमने करीबन 252 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है जिनकी रूफ टॉप्स पर आज ड्रोन उड़ा के वेरीफाई किया गया कि उनकी छतों पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स नहीं है, एवं उसके साथ साथ वहाँ पर बड़ी पेयर के तौर पर
ताकि किसी प्रकार का कोई स्नाइपर या इस प्रकार का किसी प्रकार का अटैक हो उसको रूल आउट किया जा सके। उसके लिए बड़ी पेयर में ड्यूटीज डिप्लॉय की जाएगी। उसके साथ साथ RAF, SSB, PAC एवं जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैद रहकर 4 अक्टूबर को परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले जुलूस को अच्छे तरीके से प्रोसेशन को निकाला जाएगा एवं मानसरोवर पर होने वाली रामलीला एवं उसके साथ साथ पूरा जो जुलूस का रूट है उस पूरे रूट पर सुरक्षा मुस्तैद कर ये जुलूस इसमें कह सकते हैं आप नब से जमीन तक जिस प्रकार की जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन सब थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उन सब थ्रेट्स का जो काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारे डिप्लॉय किए गए हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी ड्रोन सिस्टम कि किसी प्रकार का कोई ड्रोन जो वेरीफाइड नहीं है अगर वो उड़ रहा है तो उसको गिरा दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्नाइपर्स जो होते हैं वो कहीं दूर 2-3 किलोमीटर दूर गए तो हमने भी बिल्कुल मंदिर से जो जो विजुअल रेंज में जितनी भी रूफटॉप्स हैं उन सब के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे हम उस दिन। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है वो एक खुले में काफ़ी समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जुलूस है वो एक ओपन गाड़ी में होता है उसी को देखते हुए सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। ये करीबन 2.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ऑन फुट फोर्स कवर करेगी और इस सारे जो रूट है उस रूट के ऊपर CCTV कैमराज लगाए गए हैं जो हाई डेफिनेशन वो दिन और रात को भी कवर करेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस द्वारा स्वयं का ड्रोन भी उड़ाया जाएगा और उसी एट द सेम टाइम हम इंश्योर करेंगे कि जितनी भी ये सुरक्षा की लेयर्स हैं जिसमें NSG, CM सिक्योरिटी, उसके साथ साथ जनपद पुलिस, RAF, SSP ये सब लोग मौजूद रहेंगे, तमाम प्रकार की सुरक्षाएं अंजाम किए। थैंक यू। जनपद की तिवारीपुर पुलिस के द्वारा बच्चा चोरी मामले में नई बात सामने आई है जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 28 सितंबर को तिवारीपुर पुलिस ने एक बच्चा चोरी एवं ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया था। उसी खुलासे के अंतर्गत आगे की विवेचना को बढ़ाते हुए तिवारीपुर पुलिस को एक जानकारी मिली कि लखनऊ के परिवार को सही तरीके से बच्चे के अडॉप्शन के नाम पर बहला फुसला कर गोरखपुर लाया गया और उनको 3 लाख रुपए में सौदा तय करना बताया गया। जब वो बच्चे को गोरखपुर लेने के लिए पहुंचे तब इस बात का खुलासा किया गया तथा जो 20 फोटो एक अभियुक्त के मोबाइल में मिले हैं उनकी भी जानकारी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर की तिवारीपुर पुलिस ने 2 दिन पहले एक बच्चा चोरी की गैंग ठगी की गैंग का खुलासा किया था। उसी खुलासे के अंतर्गत आगे की विवेचना को बढ़ाते हुए तिवारीपुर पुलिस ने डेड एंड तक पहुँचा है और वहाँ पर उन्होंने एक जानकारी की कि लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से कारा के द्वारा अडॉप्शन दिखाते हुए यहाँ पे उनको बेला फुसला के यहाँ लाया गया और उनको 3 लाख रुपए में सौदा तय करना बताया गया था। कल जब वो जिसको बच्चा चाहिए था वो गोरखपुर पहुँचे तब इस बात का खुलासा किया गया एवं जो 20 फोटोज़ एक किसी अभियुक्त के मोबाइल में भी मिले हैं उनका भी तस्दीक कराया जा रहा है और इस तरीके से यह एक घटना जो कि बच्चा चोरी की इस तरह का खुलासा है इसके लिए तिवारीपुर पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद है। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। ड्राइवर से मोबाइल लूटने वाले 2 अभियुक्त उपेंद्र यादव और दीपक यादव को खजनी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल सकुशल किया बरामद। फर्जी था गाड़ी व 1,05,000 की लूट, केवल मोबाइल की हुई थी लूट। मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त गोकुल साहनी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP सिटी ने दी जानकारी। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस है मुस्तैद। SP सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, सभी तरह के खतरों से निपटने की तैयारियां हैं पूरी। सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस। बच्चा
बच्चा चोरी मामले में एक नई बात आई सामने। लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से बच्चा एडॉप्शन के नाम पर पहला फुसलाकर लाया गया था गोरखपुर। एक व्यक्ति के मोबाइल से बच्चों के मिले 20 फोटो, की जा रही है छानबीन। एसपी सिटी ने दी जानकारी। जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महानगर इकाई द्वारा हर घर टीबी बीमारी से मुक्त करने के कार्यक्रम के तहत एमएलसी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने टीबी मरीज से मिलकर लिया उनका हालचाल, दिया पौष्टिक आहार की टोकरी। कहा, पीएम मोदी के संकल्प की 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है को साकार करने में सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन। एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का भी पांचवें दिन हुआ पूजन। और गांधी विचार मंच तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन। गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक विकास भवन में सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके संबंध में किन्नर एकता ने बताया कि जनपद में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनाने के लिए कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, जिससे हम लोगों के गुरुजी के सहयोग से 17 टीजी कार्ड विभाग में अप्लाई कर दिया है। टीजी कार्ड बन जाने के बाद ट्रांसजेंडर को पहचान मिल जाएगी। उस पहचान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे जुड़कर वह लाभ ले सकेंगे, चाहे अपने लिए रोजगार पाने के लिए इस कार्ड के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलेगा। यह कार्ड उनको पहचान देगा कि वह ट्रांसजेंडर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए किन्नर एकता एवं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी और सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, ट्रांसजेंडर कल्याण के संदर्भ में जनता स्तर पर गठित समिति की बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। योजना तैयार की गई थी, उसमें ये दिया गया था कि ऑनलाइन जो आवेदन हो रहे हैं ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए, वो 6 महीने के अंदर जारी कर दिए जाए। उसी उद्देश्य की जो कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड राज्य स्तर की जो है उसकी ये सदस्य हैं, इनका भी हम लोग इसमें स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें इस समय आप लोगों को 17 नाम जो है वो आप लोगों के सामने भरे जा रहे हैं, और आप लोग अगर उससे सहमत हैं, अगर किसी भी कोई आपत्ति है तो आप लोग उसकी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से भी जाँच करने का ऑप्शन, और नहीं तो फिर ऑनलाइन जो पास किया गया सबको। फातिमा हुसैन ये भी सर ये जनता समिति की सदस्य हैं। पवन कुमार श्रीवास्तव जे जे पवन कुमार श्रीवास्तव लास्ट टाइम हम लोगों ने सुझाव भी दिए थे, और मैं पिछले कमेटी की सत्यापन के बाद ही उसका टाइप पीजी कार्ड जनरेट किया जाए, इस बात को हमेशा रखा जाए। अच्छा तक मुलाकात हो जाए और इसके बाद में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी करना, तो ये चीज़ को हमेशा रखा जाए। मेडिकल सत्यापन की बात तब आएगी जब ये इस आशय का वो एफिडेविट दिया जाएगा कि हमने अपने को नारी में परिवर्तित किया, नारी को नर्स परिवर्तित किया और ऑपरेशन किया, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र इशू करने के लिए आवेदन किया था। तो इसमें ये सीधे जो प्रावधान है शासनादेश में उसके अनुसार उस एफिडेविट को हम पर्याप्त मानते थे पहचान प्रमाण पत्र। इसी के लिए मीटिंग भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वोट देने के लिए जो है किसी को होना पड़ता है इसीलिए ये थी, फिर आप लोग वो बात भी हो जाएगी।
और इसके साथ कोई इशू आप? जी जी बिल्कुल, तो ये सब हो गया। अब हम जो पुरानी हमारी मीटिंग हुई थी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था बहुत समय से एक दूसरे बहुत काम कर रही है, हमें कभी भी कभी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हम नमस्कार, मैं बताना चाहूँगी हमारी गुरुजी के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जनपद गोरखपुर में और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए माताजी ने एक टेक्निकल पर्सन को बिठाया और हम लोगों ने उनके माध्यम से टीजी कार्ड अप्लाई किए। किन्नर समुदाय के लिए अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि उनके टीजी कार्ड कैसे अप्लाई किया जाए, लेकिन इनके प्रयास से 17 टीजी कार्ड अप्लाई हो गए हैं और जो आज यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये इनका टीजी कार्ड बन जाने के बाद में ट्रांसजेंडर को एक पहचान मिल जाएगी, जिस पहचान के माध्यम से अब वो शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं स्माइल पोर्टल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उससे वो जुड़ के उनका लाभ ले सकेंगे। जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं वो आरक्षण पाने की योजना का मामला हो या उनको कोई अपने लिए रोज़गार करने की जैसी चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ों को पाने के लिए वो इस कार्ड के माध्यम से उनको वो सपोर्ट करेगा। उनके जेंडर की पहचान के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये उनकी भी प्रमाण करेगा कि वो ट्रांसजेंडर हैं और वो उनके मूल आधार कार्ड के साथ में लिंक रहेगा, जिससे कि उनके जो मूल आधार है या उनकी जो वास्तविक पहचान है उसको वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसको एक सपोर्ट देगा कि इस कार्ड के माध्यम से वो ट्रांसजेंडर पहचान के साथ जीने वाला व्यक्ति है। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ योजनाएँ हो रही हैं। शुभकामना दिया जाए। महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारी पिछली मीटिंग असीम अरुण जी के साथ हुई है, लखनऊ में बैठक हुई है, उसके बाद लखनऊ के बाद गोरखपुर में विकास भवन में शीडियो के साथ मीटिंग हुई हमारी, जो भी कमियां बेसियां हैं उनके बारे में बात की है हम लोगों ने, और अभी समझने में भी टाइम लगेगी क्योंकि हर जगह काम चालू हो चुकी है, दिल्ली, नोएडा, हर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हैं सब जगह का बोर्ड काम कर रही है, सिर्फ हमारे गोरखपुर जनपद में अभी तक काम नहीं हुई है। जैसे कि हमारे गोरखपुर में एकता संस्था है, वो भी बहुत दिखने से 100% बहुत सा काम कर चुकी है, उनको कोई बजट नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो की हैं। अभी उनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स ही है, कुछ कागज़ की, कुछ मैंने जो भी, उसके बाद से फिर अभी उसी की बैठक भी हो गई है। और जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हमें उस विभाग के लिए हमें देखने के लिए मुझे सौंपा गया, और भी जो भी देविका है उनको भी सौंपा गया है एजुकेशन के लिए। तो एकता जी जो है तो अपने सांसद चला रही है, हमारे शिष्य भी हैं, अच्छा ही चल रही है, आगे चल के तो देखे क्या होता है, लेकिन महाराज जी ने तो सब कुछ कर ही दिए। अब जो अधिकारी पदाधिकारी के हाथ में है ये जल्दीबाजी करे तो महाराज जी का शहर जैसे शोभा बढ़ते जा रहे और भी बढ़ जाएगी, किन्नरों की थर्ड जेंडरों की तरफ से भी बढ़ जाएगी। मैं तो ये मनोकामना मेरी यही है, दुआ में यही करती हूँ। आज ये बैठक जो हमारे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है उसके संबंध में आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य हैं और उनके जो इश्यूज हैं उनके बारे में विस्तृत हम लोगों ने डिस्कशन किया, और जो ट्रांसजेंडर कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है उसमें 17 आवेदन आए थे, उनके संबंध में भी उनको जारी करने के लिए यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो इश्यूज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं वो आप सभी के माध्यम से मैं जो है जनता से यह अपील भी करूँगा कि उन लोगों को डिफरेंट ना समझते हो, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, उनको हर किसी तरीके से इक्वल रहने का अधिकार है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी मन में द्वेष भावना रखना उचित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम मनुष्य हैं, उसके बाद रिलीजन, धर्म, ये सब बाद में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन सभी को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसा हम और लोगों को ट्रीट करते हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में दाऊदपुर स्थित हर घर टीबी मुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने टीबी मरीज से मिलकर उनका हालचाल लिया तथा पौष्टिक आहार दिया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान के क्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज दाऊदपुर में टीबी के मरीजों के घर पर मिलकर उनका हालचाल लिया गया तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का आह्वान है स्वस्थ भारत बनाना
नया भारत बनाना, बीमारियों से मुक्त भारत बनाना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। आज इसी अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यकर्ता महानगर में 73 टीबी पेशेंट से जिनका इलाज चल रहा है को पौष्टिक आहार दिया गया तथा उनका हालचाल भी लिया गया तथा उनसे जानकारी ली गई कि सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वह आशा वर्कर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे टीबी पेशेंट का हालचाल लेते रहेंगे। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिद्धांत घोष, सूर्य प्रकाश शर्मा, रूपेश गुप्ता, अष्टभुजा श्रीवास्तव, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, छोटे लाल पासवान, चंद्रपाल सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मोदी जी योगी जी आवाज बनवाए हैं। हाँ हाँ मालूम है। हाँ रखे हुए हैं अभी। चलिए अच्छा है। मास्क तो है पीछे है सिद्धांत जी का। वैसे ना यही रुकिए। लेकिन मोदी जी और योगी जी कहा कि अब पूरे देश भर में इस बीमारी को समाप्त करना है तो हर अस्पतालों में फ्री में दवा मिल रही है तो उसका इलाज अब बहुत आसान है। इलाज होकर के सब ठीक हो जा रहा है। टीबी मुक्त भारत करके थोड़ा अवेयरनेस करना है, जागरूकता बढ़ाना है। दवा फ्री मिल जाती है ना हॉस्पिटल से, दवा फ्री में मिलने की सरकार का आदेश है तो दवा लीजिए। और दवा अब सब कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एकदम ठीक हो जा रहा है। पुष्ट आहार लेकर आए हैं कुछ बच्चों को, खाइएगा इसको और है ना ले लीजिए। उसको रख दीजिए, अब इसको पकड़िए। पुष्ट आहार खाइएगा और दवा नियमित लीजिए और एक दो महीने में एक आध महीने में हम लोग आते रहेंगे, ठीक है। दवा वो कोई कठिनाई नहीं हो रही है, हॉस्पिटल से दवा खाते रहे एकदम ठीक हो जाएंगे। तो पूरे भारत को इस बीमारी से मुक्त करना है, ये मोदी जी और योगी जी का संकल्प है, इसीलिए हम लोग आए हैं महानगर अध्यक्ष, ठीक है। और पुष्ट आहार देते रहिए और थोड़ा पौष्टिक चीज़ें हम लोग भी महीने में आया करेंगे, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और MLC हूँ, ठीक है। ये राजेश गुप्ता जी हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, मनोज अग्रहरी हैं, हमारे सब पदाधिकारी आए हैं। भगवान से प्रार्थना जल्दी स्वस्थ होइए, ठीक है। ठीक है भैया, भैया 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर पूज्य बाबू के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम कर रही है और प्रत्येक दिन कोई न कोई अभियान कार्यक्रम सेवा के कार्य पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा लिए गए हैं। आज उसी क्रम में पूरे देश भर में जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत स्वस्थ भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, उसमें बीमारियों से मुक्त भारत बनाना है, तो टीबी मुक्त भारत का आज अभियान था और इसी अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में गोरखपुर महानगर के 73 ऐसे टीबी पेशेंट जिनका इलाज चल रहा है उनको अलग अलग लोगों को एक एक लोगों को उनके नाम से दे करके और वहाँ जा करके उनको कुछ पौष्टिक आहार देना, उनका हालचाल लेना, सरकार के द्वारा उनको निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, आशा वर्कर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इन सब विषयों को लेकर के हम लोग गए थे। यहाँ गोपलापुर में भी एक नंदिनी नाम की टीबी पेशेंट थी जिनको हम लोगों ने पुष्ट आहार दिया है और हर मैं उनसे पूछा है, उनको निःशुल्क सरकार के द्वारा दवाएँ भी मिल रही हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि हर महीने आकर के इनका हालचाल लेते रहें, इनको दवाएँ मिलती रहें, उसी अभियान के तहत हम सब यहाँ आए हैं। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रातःकाल जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया।
स्कंद माता स्वरूप माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद माता स्वरूपरिणी देवी की चार भुजाएं हैं, माँ का वर्ण पूर्णता शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा आराधना गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रातः काल में 4 से 6 बजे तक एवं सायंकाल में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर के दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी रहा। दोनों समय में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुए। पावन शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन योगी कमलनाथ जी ने किया। आरती में संस्कृत विद्यापीठ के 151 छात्रों पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, दुर्गेश बजाज, विनय गौतम, शुभम मिश्र, शशांक पांडे आदि उपस्थित रहे। तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी विचार मंच अपने सदस्यों के बीच आपसी सहयोग मेल मिलाप बढ़ाने के लिए वर्ष में एक बार
भ्रमण यात्रा, होली मिलन तथा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करता है। कोरोना काल के चलते विगत दो वर्षों के बाद गांधी विचार मंच 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें मेडिकल कैंप, पैथोलॉजिकल जांच तथा वैश्य समाज के होनहार छात्र छात्राओं ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान की है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा, सुभाष चंद्र गुप्ता गांधी विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। विगत विषय गांधी विचार मंच की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी, जिसके सदस्य के रूप में सभी शासकीय कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हों, इनको बनाने का संविधान बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने सभी वैश्य लोगों को, जो भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं या अपने क्षेत्र में अग्रगण्य हैं, उनको अपना सदस्य बनाने का प्रयास किया है। और हमारा एक मुख्य कार्यक्रम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। विगत दो वर्षों में तो हम लोग गांधी जयंती का कार्यक्रम कोरोना की वजह से नहीं मना सके, लेकिन इस वर्ष हम लोग गांधी जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गंगा लान नौसर में मनाए जाने का कार्यक्रम है, सवेरे 7 बजे गांधी प्रतिमा पर हम लोगों द्वारा माल्यार्पण किया जाना है और माल्यार्पण के बाद गंगा लान में गांधी जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। मेडिकल कैंप में वैसे समाज के लगभग सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जो अपनी विशेषज्ञता के अनुसार वहाँ जांच कराने वालों को अपनी राय देंगे। एक पैथोलॉजिकल जांच के कैंप का भी आयोजन है, जिस पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित की है या किसी जॉब में आए हुए हैं, उनको भी सम्मानित किए जाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। ड्राइवर से मोबाइल लूटने वाले 2 अभियुक्त उपेंद्र यादव और दीपक यादव को खजनी थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल सकुशल किया बरामद। फर्जी था गाड़ी व 1,05,000 की लूट, केवल मोबाइल की हुई थी लूट। मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को भेजा गया जेल। SP साउथ ने दी जानकारी। मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 15,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त गोकुल साहनी को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP सिटी ने दी जानकारी। गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस है मुस्तैद। SP सिटी ने गोरखनाथ मंदिर से ड्रोन उड़ाकर आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, सभी तरह के खतरों से निपटने की तैयारियां हैं पूरी। सकुशल सम्पन्न कराया जाएगा गोरक्षपीठ अधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस। बच्चा चोरी मामले में एक नई बात आई सामने। लखनऊ के एक परिवार को सही तरीके से बच्चा एडॉप्शन के नाम पर पहला फुसलाकर लाया गया था गोरखपुर। एक व्यक्ति के मोबाइल से बच्चों के मिले 20 फोटो की जा रही है छानबीन। SP सिटी ने दी जानकारी। जिला समाज कल्याण बोर्ड एवं किन्नर समाज की संयुक्त बैठक CDO संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महानगर इकाई द्वारा हर घर TB बीमारी से मुक्त करने के कार्यक्रम के तहत MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने TB मरीज से मिलकर लिया उनका हालचाल, दिया पौष्टिक आहार की टोकरी। कहा, PM मोदी के संकल्प की 2025 तक TB मुक्त भारत बनाना है को साकार करने में सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी।
साथ मंदिर में शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप में माँ स्कंद माता देवी का विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन। एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का भी पांचवें दिन हुआ पूजन। और गांधी विचार मंच तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन। गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।